स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल EduEntainment। सो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स का हम चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम जो वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो तीन चीज है, तो ये तीनों चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आपको ये तीन टॉपिक्स में जो भी डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो आप पूरा ये वीडियो देखिए, हमारे ये पार्ट वन है और पार्ट टू भी अपकमिंग डेज में आएंगे। तो आप हमारे साथ हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब कीजिए आप ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए थोड़ा जोश के साथ शुरुआत करते हैं। सो स्टूडेंट्स हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या है। तो आपने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा ही होगा, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा तो स्टैंडर्ड 9th आपने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन मतलब जिसका वो इक्वेशन का डिग्री 1 हो, या तो हम बोल सकते हैं कि x की जो पावर हो जो और y की पावर हो वो 1 होनी चाहिए। तो वो इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो हम x भी होगा हमारे इक्वेशन में और y भी, साइमल्टेनियसली y भी होगा। पर हमारा चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, दो लीनियर इक्वेशन होंगे। आपको एग्जांपल भी लिख ही लेता हूँ तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। 2x plus y equals to 1 और 3x plus 4y equals to 5, ऐसे दो साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन होंगे। तो हम इसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि पावर 1 है, डिग्री 1 है इन टू वेरिएबल्स। ये हमारा पहला टॉपिक है। हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वो क्या है, ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 9th में कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनाते हैं हम जब लीनियर इक्वेशन का, तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये भी एक डेफिनेशन हो सकता है कि लीनियर इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि उसका ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, तो वो भी इसको भी हम लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। तो आपको ये भी स्टैंडर्ड 9th में आपने पढ़ा हुआ है। अब हम हमारे इस चैप्टर में आते हैं। तो इस चैप्टर में तीन कंडीशन होंगे, आपने 9th में भी यही तीन कंडीशन पढ़े हैं, तो वापस से रिवाइज कर रहे हैं। तीन कंडीशन क्या बनेंगे हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशन है तो उनका तीन कंडीशन होगा। क्या पहला कंडीशन, कि वो दोनों जो लाइन अपना स्ट्रेट लाइन है, हमारा दोनों इक्वेशन का लाइन वो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, ए कॉमा बी कोइंसाइड होगा, वो एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड होगा। ये हमारा कंडीशन है। दूसरा क्या होगा, ये हमारा हो सकता है पहला। दूसरा हमारा क्या हो सकता है कि दोनों लाइन एक ही लाइन में दोनों इक्वेशन आ जाए, एक ही लाइन में दो इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन कोइंसाइडिंग होगा, मतलब इसमें हमारा जो एंगल बनेगा वो जीरो होगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन कोइंसाइडिंग होगा, एक ही स्ट्रेट लाइन में दोनों इक्वेशन फिट बैठ जाएंगे, तो ये भी होगा हमारा जो दोनों इक्वेशन, ऐसा भी ग्राफ बन सकता है। और तीसरा हमारा जो ग्राफ बनेगा वो है दोनों पैरेलल हो सकता है, बिल्कुल कोइंसाइडिंग नहीं होगा, हमारा एंगल भी कुछ नहीं बनेगा, तो हमारे दोनों लाइन पैरेलल होंगे, या तो वो एक पॉइंट पे कोइंसाइड होगा या तो पूरा ही कोइंसाइड होगा, सारे जो भी पॉइंट्स में बोलूंगा तो वो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई होंगे। और हमारा तीसरा क्या कंडीशन होगा कि दोनों पैरेलल होंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा, ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे मैं पेयर लिखना भूल गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि हमारा एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अब हमारे थर्ड टॉपिक पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम हमारे तीसरे टॉपिक पे आते हैं, वो है यूज ग्राफिकल मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम एग्जांपल लेके ये समझते हैं, हमको इसमें क्या बोला है कि हमको दो इक्वेशन दिए होंगे लीनियर इक्वेशन, अब हमको उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है कि वो दोनों इक्वेशन का हमको ग्राफ बनाना है, उसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है और फिर देखना है कि वो किस कौन से पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहा है, मतलब एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहा है या दोनों लाइन एक ही साथ कोइंसाइड हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे पॉइंट कोइंसाइड हो रहे हैं, मतलब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा वो कंडीशन में। और तीसरा कंडीशन है कि दोनों पैरेलल लाइन होंगे, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये हमारे एक पहला एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है, दो लाइन एक पॉइंट पे कोइंसाइड होता है। क्या एग्जांपल है कि हमको पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। अब हमको क्या करना है कि इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है, बराबर ग्राफ बनाना है। तो हमारा ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, वो तो आपको पता ही है। तो पहले इस इक्वेशन पे आ जाते हुए x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, हम इसको क्या बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 2y, 2y को इस साइड ले लिया। तो हमारा ये पहले ये टेबल बनाना है, x और y लिखना है।
तो हमारा पहला, मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं x की वैल्यू जीरो रख रहा हूं, x की वैल्यू जैसे ही मैं जीरो रखूंगा मेरी y की वैल्यू की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/2 विच इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूं कि y की वैल्यू 1 रख रहा हूं, देखो y की वैल्यू जब मैंने 1 रखी तो मेरी x की वैल्यू क्या हो गया, 2 × 1 2 होगा, ये हमारा 2 और 1। अब ये हमारे इस इक्वेशन पे दो पॉइंट काफी रहेंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए। अब इस इक्वेशन पे आ जाता है वो क्या है, 3x + 4y = 20। तो हम इसमें भी टेबल बना लेते हैं x और y। अब क्या कर रहा हूं मैं पहले कि x को मैं 0 रख रहा हूं, जैसे ही मैंने 0 रखा 3x खत्म हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 4y = 20। और आपको पता है कि 20/4 क्या होता है, 5। तो हम y की वैल्यू क्या मिल गई, 5 0 5। अब मैंने क्या किया कि मैंने अभी x को 0 रखा था, अभी मैंने y को 0 रखा, पर मैंने जब y को 0 रखा तो हमारा ये 4y कट हो गया, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया x की, 20/3। अब हमको पता है कि 20/3 ग्राफ में प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल है, तो हमने क्या किया कि ये 20/3 थोड़ा मुश्किल है, तो हमने ऐसा वैल्यू लिया जिससे हमको इंटीजर मिला। मैंने क्या सपोज किया, मैंने y को 2 मान लिया, y को जैसे ही मैंने 2 माना तो 3x + 8 = 20। तो हमारा 4 × 2 क्या होगा, 8 होगा, 8 इसको इस साइड लाएंगे 20 - 8 हमारा 12 होगा। तो x 3x = 12, हम जैसे 12 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, 4। तो हमको एक इंटीजर वैल्यू प्रॉपर वैल्यू मिल गई, ऐसे फ्रैक्शन में हमको नहीं चला क्योंकि फ्रैक्शन को प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल है। तो हमारा हो गया 4 2। अब क्या करना है, सिंपल है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ पेपर में आपको ग्राफ बनाया है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस आपने 1 2 3 4 नेमिंग किया, यहाँ पे -1 -1 तो यहाँ पे नहीं, पर हम अभी माइनस का हमको काम नहीं है। हमारा पहला इक्वेशन पे आता है, पहला पॉइंट क्या है, 0, 0, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, 2, 1, एक्स एक्सिस की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, तो ये भी हमारा एक पॉइंट बनाया और मैंने इससे ग्राफ लाइन खींच ली। अब ये बोर्ड इसलिए स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगी परफेक्ट क्योंकि हाथ से बना रहा हूं, आप जब ग्राफ पेपर में प्रॉपर स्केल्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रॉपर मिलेगा। हमारे दूसरे इक्वेशन पे आते हैं, एक्स की वैल्यू जब हमारे 0 है तो वाई की वैल्यू क्या है, 5, तो ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये हम फ्रैक्शन है तो नहीं ले कंसिडर कर रहे, हमारा जब एक्स की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू जब 4 है हमारी वाई की वैल्यू क्या है, 2, तो ये हमारा 4 2। अब देख रहे हो ये दोनों ग्राफ ये 4, 2 की पॉइंट से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन है एक्स और वाई का वो क्या है, 4, 2। अब इसको चेक करना तो बहुत आसान है, 4, 2 को इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, x = 4 - 2 × 2 4 हो जाएगा, हमको 0 मिल रहा है। इस इक्वेशन में भी रख के देख लेते हैं, x क्या है हमारा 4, 3 4 = 12 + 4 × 2 8, हमको पता है 12 + 8 = 20। ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे, मतलब हमने जो ग्राफ बनाया वो परफेक्ट बनाया, और इस दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, कॉमन सॉल्यूशन है, हमको मिला एक ही पॉइंट में मिला है, वो क्या है, 4, 2। अब हम ऐसे भी ग्राफ बनेंगे, मैंने आपको पहले एग्जांपल दिखाई दिया, ऐसे भी ग्राफ बनेंगे, ऐसे भी ग्राफ बनेंगे कि ऐसा ग्राफ बना हमारा, ये हमारा ग्राफ, ये एक्स और ये वाई, हमारा ये दोनों इक्वेशन, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, एक ही स्ट्रेट लाइन होगा और हमारे दोनों इक्वेशन आ जाएंगे, मतलब ये पॉइंट ए कॉमा बी हो गया, सी कॉमा डी हो गया, कोई भी पॉइंट ले लो, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, इसका है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशन का, मेनी सॉल्यूशन। अब आपको इसका एग्जांपल देखना हो तो आप टेक्स्ट बुक रिफर कर सकते हैं, इसका एग्जांपल दिया हुआ है। और एक क्वेश्चन, और एक ग्राफ हमारा बनेगा एक टाइप का, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं फिर से बता रहा हूं, ये हमारा ग्राफ, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये 0, क्या बनेगा कि दोनों ग्राफ कोइंसाइड ही नहीं होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे, कोइंसाइड हो ही नहीं रहे, तो मुझे कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं लेना, मतलब ऐसा जब ग्राफ बनेगा तो हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को दिया हुआ है, हमको उसका पैरेलल मिल रहा है, हमको कोई कोइंसाइडिंग पॉइंट मिल ही नहीं रहा, तो हम इसको बोल सकते इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो हमारा हो गया ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल करना। आपको मैं अच्छे से एक टेबल बना के बता रहा हूं, ये टेक्स्ट बुक में भी दिया, आप रिफर कर सकते हैं, ये टेबल का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आपको मैं टेबल पहले ड्रॉ कर लेता हूं फिर आपको समझाता हूं उसका सिग्निफिकेंस। तो सो स्टूडेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है
ये टेबल में आप पूरा कांसेप्ट आप समझ सकते हैं। आप कोई सा भी आपको इक्वेशन दे दे, लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, पेज नंबर 46 पे दिया हुआ है, तो आप रिफर कर सकते हैं वहां से भी। तो पहले हम समझ लेते हैं ये टेबल क्या है। हमारा क्या है, हमारा नंबर 1, 2, 3 पेयर ऑफ लाइंस है, हमारा पहला पेयर ऑफ लाइन, दूसरा पेयर ऑफ लाइन और तीसरा पेयर ऑफ लाइन। मतलब ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तीन। हमारा a1 by a2, a1 मतलब क्या है, हमारा x का कोफिशिएंट। ये पहला इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a1, दूसरे का a2, वैसे ही y का कोफिशिएंट b2 और हमारा दूसरे का b1 और हमारा दूसरे इक्वेशन का b2। वैसे हमारा कांस्टेंट पहला इक्वेशन का c1, दूसरा इक्वेशन का c2। हमने ये जो रेशियो हमारा बनेगा उसको कंपेयर करना है, तो हमको उससे पता चल जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है उसका, और एलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। सॉरी मैं फॉर्मल होने के लिए। तो मैंने पहले क्वेश्चन पे आते हैं, हमने क्वेश्चन का अभी एग्जांपल किया, ग्राफ से सॉल्व किया हमने, ग्राफ का इस्तेमाल करके। क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। मतलब जो भी राइट हैंड साइड पे हो ना, पहले तो ये कंडीशन ध्यान रखना, जो भी राइट हैंड साइड पे हो उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ और इक्वल्स टू 0 कर दो। तो पहले ये फॉर्म में लाना जरूरी है, फिर हम आगे कुछ भी कर सकते हैं। हमको क्या करना है, पहले a1 by a2 फाइंड करना है। हमारा a1 by a2 हमारा x का पहला कोफिशिएंट, पहला इक्वेशन का 1 है, दूसरा इक्वेशन का 3 a1 by 3, वैसे ही माइनस 2 by 4, वैसे ही हमारे यहाँ पे 0 है, कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो 0 और यहाँ पे हमारा माइनस 20। ये ध्यान रखना है, ये राइट हैंड साइड में आप जो भी हो उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है, फिर ही आप ये करना है आपको, नहीं तो आप रॉन्ग जा सकते हैं। अब हम रेशियो को कंपेयर करते हैं। हम जब a1 by a2 और b1 by b2 को कंपेयर कर रहे हैं तो कोई कंपेरिजन है ही नहीं, दोनों इक्वल है ही नहीं। 1 by 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 by 4, आप क्लियरली समझ ही सकते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जब ये आपको रेशियो में, ये आपको जब आप रेशियो को कंपेयर कर रहे हो, आपको ये आपको कंडीशन सेटिस्फाई हो कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by 2 b1 by b2, तो हम इससे क्या समझेंगे कि वो जो उसका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और कैसा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा कि वो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। तो इसका तो मैंने आपको अभी सॉल्यूशन कराया ग्राफिकल मैथमेटिक्स, तो आपको पता ही है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका वो इंटरसेक्ट भी होता है और वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है। वो कौन सा पॉइंट है, 4, 2 हमारा दूसरा पॉइंट पे आया, दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। हमारा a1 by 2 क्या होगा, 2 by 4 x का कोफिशिएंट, b1 by b2 क्या होगा, 3 by 6, c1 by c2 क्या होगा, माइनस 9 by माइनस 18, सॉरी ये माइनस 18 आएगा, सॉरी। तो अब हम इसका जब हम सारे तीनों तीन रेशियो कंपेयर करें तो आप देखिए क्या हो रहा है, 2 by 4 आपका कट होगा, यह होगा जब 1 by 2 बन जाएगा, 3 by 6, 3 1 जा 3 2 जा 6, 9 by 18, ये पहला माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 2 जा, देख रहे हैं सब में आपका 1 by 2 1 by 2 1 by 2 आ गया। तो आप इससे क्या बोल सकते हैं, a1 by 2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। जब आपको ये कंडीशन फॉलो हो रही है, आपने जब ये रेशो बनाए और कंपेयर किया, आपको ये कंडीशन हो, तो आपसे इससे क्या आपको जजमेंट लाना है, क्या आपको समझ लेना है कि ये जो है इसका कोइंसिडेंस लाइन है, वो एक ही लाइन पे दोनों इक्वेशन आ जा रहे हैं और इसके इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। आपको मैं इसका ग्राफ बताया हुआ है पहले से, तो ये आपको ग्राफ का एक एग्जांपल है। आप ये एग्जांपल लेके आप मैंने जो टेबल बनाया उससे टेबल बना लें, और आप जब ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर पे, तो आपको वो दोनों इक्वेशन एक ही लाइन पे कोइंसाइड होंगे, होते हुए दिखेंगे। आप ये एग्जांपल टेक्स्टबुक में भी दिया हो, तो आप टेक्स्टबुक से भी रिफर कर सकते हैं, नहीं तो खुद से करना हो तो खुद से कर सकते हैं। हमारा तीसरा पेयर ऑफ लाइन्स ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। मैंने रेशियो बनाया 1 by 2, 2 by 4, माइनस 12 by माइनस 4 by माइनस 12। कंपेयर करते हैं 1 by 2, इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 1 जा 2 2 जा 4। 1 by 2, 1 by 2 मतलब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, पर अब ये करता हूं, ये माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 3 जा 12। तो a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equals to c1 by c2। जब ये आपको मिले तो आप उससे समझ जाना है कि ये पैरेलल लाइंस होंगे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जब ये इक्वेशन को ग्राफ बनाएंगे इस दोनों इक्वेशन का, जब आप पुट करेंगे प्लॉट करेंगे, तो आपको ये दो पैरेलल लाइन मिलेगी और उसका नो सॉल्यूशन होगा। ये भी आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ एग्जांपल, तो आप वो भी टेक्स्ट बुक से ही रिफर कर सकते हैं, तो खुद से करना तो बहुत अच्छा।
तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया, आपको पूछा दोनों इक्वेशन दे दिया, आपको बोला कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा और उसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, कोइंसाइडिंग लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगा, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे होगा, या बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, आपको ये फाइंड करना है। तो आपको ये सारा झंझट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसका रेशियो लो, ये रेशियो को कंपेयर करो, आप उससे तुरंत ही आप उससे जज कर पाएंगे कि ये कौन से टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो ये टेबल का बहुत सिग्निफिकेंस है, आप इसको अच्छे से पढ़ ले, 46 पेज नंबर पे ये टेबल दिया हुआ है, तो आप अच्छे से टेक्स्ट बुक में रिफर कर ले तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक एग्जांपल करते हैं जो लीनियर इक्वेशन का अच्छा सा लेवल, अब हमको क्या बना, हमको तो पहले इक्वेशन दिया हुआ था, अब हमको एक प्रॉब्लम दिया होगा और हम उसको और प्रॉब्लम को समझ के हमको इक्वेशन बनाना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। ये आपको एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको सारे जो लीनियर इक्वेशन में जो एग्जाम्पल होंगे वो इसमें इक्वेशन दे देंगे, आपको बोलना है कि है क्या नहीं है, कैसे करना है, आपको प्रॉब्लम दिया होगा उससे आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो ऐसा एक प्रॉब्लम लेते हैं एक्सरसाइज का और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना हुआ इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो अब मैं आपको सिर्फ इसमें वो इक्वेशन बना के दूंगा, आप खुद से ही ग्राफ बनाओ, प्लॉट करो, आप फाइंड करो, आपको उसका एक्स एंड वाई का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप इतना तो कर सकते हैं, वो बहुत इजी पार्ट है, जो मेन पार्ट है वो आपको मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन में पढ़ता हूं क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो ना उसको पहले नोट डाउन कर लो, क्या दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट्स क्लास 10th के, ओके, ये हमको पहला क्लू दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोला है आज, टू पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में, मैथमेटिक्स का क्विज है उसमें पार्टिसिपेट किया। क्या है आप, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अब हमको क्या बोला है कि लड़कियों जो है उसकी जो लड़कियां जो है, ये 10 बच्चों में जो लड़कियां है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, मतलब जितना बॉयज है उससे 4 आप और प्लस करेंगे तो आपको गर्ल्स मिल जाएंगे, गर्ल्स इक्वल्स टू बॉयज प्लस 4 आपको दिया हुआ है, मैं पीछे पढ़ता हूं, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, तो मैंने आपको ये हमको बना दिया जो ये इक्वेशन बन रहा है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज, हमको गर्ल्स और बॉयज का फाइंड करना है, वो गर्ल्स कितने थे और बॉयज कितने थे ये 10 बच्चों में। अब हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं, हम इसमें सपोजिशन करना पड़ेगा, हमको ये वेरिएबल है हमारे गर्ल्स और बॉयज, तो हम इसको वेरिएबल कंसिडर करेंगे, लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर हमारा है नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू वाई, अब हमको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन मैंने पहले ही बनाया, जो गर्ल्स है वो जिसको मैंने क्या कंसिडर किया है एक्स, और बॉयज नंबर ऑफ बॉयज वाई है उससे 4 ज्यादा है, मतलब एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 4 हमारा पहला इक्वेशन बन गया। देखो बच्चों ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, पर यहां तो क्वेश्चन खत्म हो गया, दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अब ध्यान से देखो मैंने पहला पॉइंट क्या बोला है कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 10 बच्चों ने, 10 बच्चों में बॉयज थे वो गर्ल्स थे, मतलब टोटल बच्चे कितने थे 10 थे, तो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, क्योंकि हमको जब बॉयज और गर्ल्स को प्लस करेंगे तो कितना होगा 10 होगा, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो आप अब इसको सॉल्व करना तो बहुत इजी है, आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर ही सकते हैं, तो मैंने आपको वो बताया हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, यहां से भी आप देख सकते हैं कि इसको एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, सॉरी एक्स माइनस वाई, आपको ग्राफ से करना है, ये मैं डायरेक्ट से कर रहा हूं, या ये भी आपको है आगे आएगा, ये आपको माइनस 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 एक्स एक्स हमारा कैंसल हो गया, माइनस वाई 2y
इक्वल टू 10 माइनस 4 माइनस 6, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे y की वैल्यू क्या मिली 6 बाई 2 विच इज इक्वल टू 3, तो हमारे बॉयज की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, प्लस 4, तो हमारे गर्ल्स की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई, तो 7 गर्ल्स थे और बॉयज कितने थे 3, ये 10 बच्चों में, तब ये भी एक मेथड है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे, तो हमको क्या करना है, ये आपको कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये दोनों लाइन, ये दोनों इक्वेशन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, वो पॉइंट कौन सा होगा 7, 3 होगा, तो आप वो चेक कर सकते हैं, तो ये हमारा पहला हो गया, ये ऐसे ही आपको दूसरे दिया है, 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेंस टूगेदर कॉस्ट रूपीज 50, हम मान लेते हैं नंबर ऑफ पेंसिल x मान लेते हैं, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा पहला था, इक्वल्स टू 50 हमको दिया हुआ है, नंबर ऑफ पेंस को हम x मान लेते हैं लेट, और नंबर ऑफ क्या है हमारा पेंस को हम y मान लेते हैं, क्या दिया हुआ है हमारा 5 पेंसिल्स एंड 7 पेंस टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50, x प्लस y इक्वल्स टू 50 हमको दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेंस टुगेदर कॉस्ट रुपीज 46, जब हम ये हमारा सॉरी ये हमारा x प्लस y नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास दिया हुआ 5 पेंसिल्स एंड 7 पेंस, सॉरी ये हमारा हो गया 5 पेंसिल्स, नंबर ऑफ पेंसिल एक नंबर हमारा x हो गया, एक पेंसिल की कीमत x हो गया, पर हमारे कितने पेंसिल है 5 पेंसिल है, 5x प्लस 7 पेन है, ये दिया हुआ 5 पेंसिल्स एंड 7 पेंस टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50, मतलब 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, हमारा पहला इक्वेशन बन गया, हमारा दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, वेयर इज 7 पेंसिल्स 7x प्लस 5 पेंस टुगेदर कॉस्ट रुपीज 46, मतलब जब 7 पेन होंगे और हमारे 5 पेंसिल होंगे, जब वो मैं खरीदूंगा तो वो मुझे 46 रुपए के रुपीज का पड़ेगा, और जब मैं 5 पेंसिल्स और 7 पेंस मैं जब खरीदूंगा तो मुझे वो 50 रुपए का पड़ेगा, ये हमारे दो इक्वेशन बढ़ गए, हमारे एडोरियन इक्वेशन मिल गया, आप ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, और मेथड ऑफ एलिमिनेशन अगर आपको आता है तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पर आपको इक्वेशन में बोला हुआ है क्वेश्चन में कि आप ग्राफ से ही सॉल्व कीजिए, ये हमारा हो गया, आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि अभी हमारे यहाँ से वीडियो थोड़े लंबे बनेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं, तो मुझे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं 3 पार्ट में ही पूरा चैप्टर खत्म कर लूँ, ये चैप्टर शायद ना खत्म हो पर मेरी कोशिश रहेगी कि 3 पार्ट में खत्म कर लूँ, इसलिए मेरे एक वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी होगी, तो आप अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा हो, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक देख रहे हैं, मतलब मैं उसका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अगर उनको मेरा वीडियो पसंद आया, उनको मेरे समझाने की जो मेथड है वो पसंद आया, इसलिए वो मेरा पूरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग भी मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करने में बहुत मदद करेंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आप स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड 10 के अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल ग्रो हो रहा है, 50 सब्सक्राइबर्स है, थोड़ा कम है पर धीरे धीरे मैं मेरी कोशिश है कि धीरे धीरे होगा, आगे आगे 2 महीने हो गए हमारे चैनल को, तो धीरे धीरे ग्रो करेगा, आपके नज़र में अगर आपके फ्रेंड्स है, आपके फैमिली में कोई है जो स्टैंडर्ड 10 को पढ़ना चाहता है और जिसके पास कंडीशन नहीं है कि ट्यूशन अफोर्ड कर सके, थोड़ा डाउट होता है उसको, अब ये वीडियो वो जरूर देख सकता है, हमारे एड्यूएंटेनमेंट को चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, तो आप उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, अभी के लिए बाय बाय, और आपके लिए क्या है मस्ती टाइम।